हेलो एवरीवन माय नेम इज स्वाति योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स ओके सो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपके घर में कोई बिल्ली फंस गई हो या कहीं ऊपर जो है किसी लॉफ्ट में या किसी ट्री में वो अटक गई हो वो बेचारी नीचे नहीं आ पा रही हो एंड मे भी आप उसकी मदद करना चाहते हो या कोई भी जैसे कभी कोई बर्ड होती है वो फंस जाती है हम उसकी हेल्प करते हैं निकालने के लिए सो so, इस स्टोरी में यहाँ पे एक डैड है Okay, और वो जो डैड हैं वो बड़े ही अमेजिंग हैं उन्हें लगता है कि वो तो यू पेड़ पे चढ़ सकते हैं और यू जो उनकी उधर पे कैट जो फंसी हुई है उसको निकाल सकते हैं लेकिन क्या एक्चुअली वो निकाल पाएंगे क्या वो इतने अमेजिंग क्लाइंबर हैं सो दिस इज अबाउट अ पोएट जो बता रहे हैं कि उनके जो गार्डन में देर इज अ ट्री और एक कैट वहां पे जाके फंस गई है वो थोड़ा ऊपर चढ़ गई है अब उससे नीचे उतरते नहीं बन रहा है एंड उनके डैड जैसे ही देखते हैं उन्हें लगता है अरे ये तो मैं इजीली इसको निकाल दूंगा तो क्या वो निकाल पाते नहीं निकाल पाते ट्री एंड इट्स रिटन and children एंड द विनर ऑफ न्यूमरस प्रेस्टिजियस अवॉर्ड सो बेसिकली ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन एंड ही हैज़ अ ग्रेट वे ऑफ राइटिंग जिससे जो है जो छोटे बच्चे होते हैं या बड़े लोग होते हैं दोनों ही बहुत अट्रैक्ट होते हैं इनकी राइटिंग के लिए क्योंकि ह्यूमरस भी है ये कॉमिकल भी है और ये काफ़ी इंगेजिंग भी है राइट नाउ लेट्स स्टार्ट विद आई कॉन्ट वेट टू रीड दिस This morning, a cat got stuck in our tree. Dad said, "Right, just leave it to me." So this morning, what happened? So imagine a scenario. So you have a garden and there is a beautiful tree out there, and it's a high tree over the tree here cat. okay. Now the dad comes and says, "Oh, there is a cat stuck?" Ah, don't worry, just leave it to me, Mulab. चिंता की कोई बात नहीं है मैं हूं ना सो ओके द ट्री वॉज वॉबली ट्री वॉज सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल सो द ट्री कैसा था वो जो ट्री था वो वॉबली था वॉबली का मतलब क्या है अनस्टडी मतलब वो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्री नहीं था उसकी जो लीव्स थी वो वॉबली थी मतलब इजीली टूट सकती थी उसकी जो पूरी ब्रांचेस थी वो बहुत ही वॉबली थी सो so, The tree was wobbly, but the tree was tall. And mama said, What did she say? Oh, for goodness sake, don't fall. For goodness sake, ka matlab kya hota hai? It's an exclamation like, Oh my god, don't do this. Ade bhagwan mat karo. So, this is what is the meaning of for goodness sake. Now, fall? scoff dad. A climber like me? Child's play this is. You wait and see. So, डैड ने क्या बोला फॉल मतलब वॉट वुमन व्हाट आर यू दैट आई विल फॉल स्कॉफ मतलब जब हम किसी का मजाक उड़ाते हुए जो आवाज निकालते हैं ना हाँ क्या बात कर दी मैं और गिरूंगा सो उन्होंने क्या कहा ही लाफ्ड मॉकिंगली एट मॉम एंड वॉट डिड ही से अ क्लाइंबर लाइक मी मतलब मेरे जैसा अमेजिंग क्लाइंबर और गिर जाएगा इट्स अ चाइल्ड्स प्ले मतलब ये तो बच्चों का काम है ये तो मतलब इट्स सो इजी चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली ईजी यू वेट एंड सी मतलब अपनी वाइफ को क्या बोलते हैं तुम्हें लगता है मैं मैं गिर सकता हूँ अरे बस देखते जाओ तुम तो He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. सो so, क्या हुआ वो गार्डन शेड जहाँ हम गार्डन के सारे इक्विपमेंट रखते हैं वो उसको गए उन्होंने वो लेके आए उसको पेड़ से टिकाया एंड ही स्टार्टेड टू क्लाइंब स्लिप्ड ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड लेकिन क्या हुआ वो जो लैडर था वो बहुत स्लिपरी था तो जैसे ही वो चढ़े वो स्लिप हो गया और जैसे ही वो स्लिप हुआ तो वो नीचे जाके धड़ाम से गिर गए नेवर माइंड सेट दैड ब्रशिंग द डोट

सो so, अपनी पूरी बॉडी से अपने फेस पे जहाँ पूरी मिट्टी लगी उसे एकदम ब्रश करते हुए एकदम टशन में विद अ स्वैग ही सेड अरे कोई बात नहीं तो होता रहता है वी विल ट्राई प्लान बी स्टैंड आउट ऑफ द वे मम सेड डोंट फॉल अगेन ओके सो उन्होंने क्या कहा अरे अब हम प्लान बी ट्राई करते हैं सब लोग दूर हट जाओ मम ने कहा अब आपस मत गिर जाना फॉल अगेन सेड डैड फनी जोक ंग सेल्फ अप ऑन अ ब्रांच इट ब्रोक उन्होंने बोला ऐसा होता है क्या एंड देन वॉट ही डेड टू क्लाइम द ट्री वॉज स्विंग सो ही ट्राइड टू स्विंग ऑन अ ब्रांच सो ही स्वंगल्फ अप लेकिन वो जो ब्रांच थी वो बड़ी नाजुक सी ब्रांच थी तो वो टूट गई एंड डैड वापस कहाँ आगे गई जमीन पर डैड लैंडेड विल ऑप बैक ऑन द डेक मम सेड स्टॉप इट यू विल ब्रेक योर नेक तो डैड लैंडेड वेल डैडेड मतलब वो बहुत ही धड़ाम से गिर गए मतलब जाके गिरे बैक ऑन द डेक वापस जो नीचे जो जमीन थी उस पर वो जाके धड़ाम से गिर गए मम्मा ने क्या कहा अरे भाई बस करो अपना गला तोड़वाओगे क्या स्टॉप इट यू विल ब्रेक योर नेक नेकबेश से डैड Now we will plan twice, नहीं nah, we will try plan C. Easy as winking to a climber like me. अब उन्होंने क्या कहा? अरे यार क्या बात करी तुमने? अब उनको थोड़ा सा ना गुस्सा आ रहा है। नहीं नहीं क्या बात करी? ठीक है हो जाता है। कभी-कभी गिर जाते हैं। He said, I am a great climber. अब हम plan C try करेंगे। And it is easy as winking to a climber like me. कैसा ये? It's easy as winking for the climber like me.

उन्होंने एक छलांग मारी लीप का मतलब क्या होता है एक लंबा सा जंप करना ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक मतलब अगर सो so अगर हमारा जो ट्री होता है अगर वो इस तरीके का होता है सो so ये वाला जो पार्ट होता है जो बेंड वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं क्रुक तो अब डैड ने जंप किया और वो सीधे यहाँ पे आके जंप करे वो और वहां बेचारी किसके ऊपर जंप किया उन्होंने हमारी नाजुक सी कैट के ऊपर राइट ऑन द कैट ही जम्प द कैट a yell एंड sprang टू द ग्राउंड pleased as punch टू बी सेफ एंड साउंड अब जैसे ही उनके ऊपर उसने जंप किया वो कैट के ऊपर जैसे ही डैड ने जंप किया तो कैट को इतनी जोर से डर लग गया अभी तक क्या हो रहा था कि उसको नीचे जंप करने में डर लग रहा था लेकिन जैसे ही इन्होंने जंप किया तो टू सेव इट्सल्फ उसने नीचे जंप किया एंड इट साउंड इट सेफ और वो उसने बहुत ही सेफली ग्राउंड पे जंप किया उसको कहीं कोई चोट नहीं लगी प्लीज डे स्पंच to be safe and sound. और वो pleased as punch मतलब it was very pleased. और वो इतनी खुश थी वो cat कि वो एकदम safe है and sound है उसे कहीं कोई चोट नहीं आई है So it's smiling and smirking, smug as can be, but poor dad still stuck up the tree. So now the cat is smiling and smirking. Smirking means to smile in an affected, smug or offensively familiar way. Like, अरे देखो मैं तो नीचे आ गई So, उस तरीके से कैट ने स्माइल किया स्मग एस कैन बी स्मग का मतलब क्या होता है कंटेंटली कॉन्फिडेंट ऑफ वंस एबिलिटी लाइक जैसे कि अरे वाह मैंने कितना अच्छा काम किया मुझे तो पता है मैं एकदम अमेजिंग हूँ यू नो सो कैट ने उस उसमग के साथ स्माइल किया बट पुअर ओल्ड डैड ही स्टिल स्टक अपॉन द ट्री वो तो नीचे आ गई डैड ने जम भी लगा दी ट्री के ऊपर भी पहुंच गए कैड भी नीचे आ गई अब डैड नीचे कैसे आएंगे बिकॉज अब वो स्टक है सो दैट वॉज अ पोम गाइज आई एम श्योर यू मस्ट है गुड जॉब देखो मैं तो स्माइल कर दी हूँ आई कैनोट स्टॉप द स्माइलिंग दिस इज सच एन अमेजिंग पोम अब बिफोर वी गो अहेड हम इसकी क्विकली एक बार राइमिंग स्कीम देख लेते हैं

साउंड बिल्कुल डिफरेंट कर रहा है तो ये हो जाएगा बी फॉर गुडनेस सो ये तीनों से कहीं से मैच नहीं कर रहा तो ये सी हो जाएगा सेक डोंट फॉल फॉल इज मैचिंग टॉल तो ये हो जाएगा बी सो so अगर आप पूरी पोम में देखोगे तो उसने यही स्कीम फॉलो की है ए बी सी बी क्या है राइमिंग स्कीम ए बी सी बी ए बी सी बी अगर हम आगे वाले भी स्टैंडर्स चेक कर लेते हैं सो अगेन डैड ए मी बी इज सी सी एंड मी साउंड सेम सो इट्स बी सो बेसिकली हमारे पूरे पोम की जो राइमिंग स्कीम है क्या है वो ए बी सी बी राइमिंग स्कीम चेक करने के लिए हम लास्ट का वर्ड सिर्फ चेक करते हैं और अगर वो मतलब फर्स्ट को हम ए देते हैं अगर वो सिमिलर साउंड करता है तो हम सेम लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं अदरवाइज अगर हम एक डिफरेंट लेटर देते हैं सो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ अ पोम नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स क्विकली लुक एट द समरी द पोम इज़ humorous illustration ऑफ द एक्शंस ऑफ एल्डर्स अब हमारे जो बड़े होते हैं उनको लगता है वो तो एकदम हर कोई काम कर सकते हैं कभी कभी वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे वो अपना ही मजाक बना लेते हैं

एक तरीके से ही वॉज मेड अप अ जोक ही वॉज मेड एज अ जोक उनका मजाक उड़ गया बाय स्टैंडर्ड्स मतलब जो लोग उनको देख रहे थे द राइमिंग स्कीम इज ए बी सी बी इज फॉलोड इन द पोम ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है द पोएट सक्सेसफुली टोल्ड अ स्टोरी इन अस एंड लिरिकल वे राइट इट्स अ लिरिकल स्टोरी बिकॉज एक राइमिंग स्कीम है और यूमरस तो है ही द पोएट स्पीक्स of an incident when a cat got stuck up in the tree in the garden. So उनके garden में अब ये पूरा पहले तो ये जो पूरी हमने बात की है this is the general information about the poem. Now starts the summary. जो poet है he is speaking of an incident जहाँ पे एक cat उनके garden की एक tree में stuck हो गई It couldn't come down without help. The tree was tall and shaky. अब वो वापस help के बिना वो नीचे नहीं आ पा रही थी Now we are talking about the tree that the tree was tall And shaky, wobbly, tha wo. His father got ready to rescue the cat. Uske father jo the, he got ready ki Haan, chalo, main Rescue means to save the cat. He thought he was a great climber, and bringing the cat down was an easy game for him, like a piece of cake. So, next, ignoring mother's warnings, his father brought out uh, brought out a ladder from the shed. सो अब जो उसकी मदर जो थी जो पोइट की मदर थी जो जितनी भी वार्निंग्स दे रही थी कि प्लीज बी केयरफुल डोंट फॉल एंड ऑल सो फादर सिंस ही वॉज सो कॉन्फिडेंट ही जस्ट इग्नोर्ड ऑल द वार्निंग्स एंड व्हाट डिड ही डू ही गॉट अ लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड बट एज ही क्लाइंबड इट इट स्लिप्ड सो जैसे ही उन्होंने क्लाइंब करना स्टार्ट किया धड़ाम से गिर गए वो ही फेल ऑन द ग्राउंड इन द फ्लावर बेड कहाँ जाके गिरे जो नीचे पूरे फ्लावर्स थे उसके ऊपर जाके गिर गए बट ही डेंट एक्सेप्ट डि फीट ही कॉन्फिडेंट मैन उन्होंने बोला अरे इतने से क्या होता है गलती से गिर गया वो तो मैं ऐसी -फट पूरी मिट्टी को साफ किया He got ready to try his plan B. He was confident of success this time. So अपने plan B के साथ start हो गए और बड़े ही confident थे वो इस बार He climbed the tree and sat on a branch. तो फाइनली ही क्लाइम द ट्री एंड सैट नी एंड ही वॉज ही क्लिंग सो ही वॉज स्वंग सो ही क्लाइम द ट्री एंड स्वंग ऑन अ ब्रांच बट इट ब्रोक अंडर इट्स वेट सो वो गए और वो जो ब्रांच के ऊपर चढ़ने के लिए उस पर उन्होंने लटके वो लेकिन वो टूट गई एंड ही फेल डाउन अगेन और वो वापस धड़ाम से गिर गए

ही लिव्ड अप अगेन वापस वो उन्होंने जम्प किया और कहा इस बार वो चढ़े गार्डन वॉल में चढ़े दिस टाइम ही जम्प्ड टू द बेंड इन द ट्री वो जो ट्री का जो बेंड होता है उस पर आके उन्होंने जम्प किया राइट ऑन द कैट और बेचारी कैट के ऊपर जम्प किया द कैट गेव अ लाउड श्रीक कैट को इतनी जोर से डर लग गया वो जोर से चिल्लाई एंड फेल ऑन द ग्राउंड इट सफर्ड नो इंजरी तो उसने जैसे ही ग्राउंड पे जम्प किया उसको कोई इंजरी नहीं हुई इट वॉज स्माइलिंग एंड वॉज सेफ अब वो क्यों स्माइल करी थी बिकॉज इट इट वॉज फाइनली डाउन इट वॉज नॉट स्टक एनी मोर ऑन द ट्री एंड इट वॉज सेफ एंड साउंड पुअर ओल्ड डैड गॉड स्टकअप द ट्री इन प्लेस ऑफ द कैट लेकिन बेचारे जो डैड थे अब वो जो थे वो ट्री पे स्टक हो गए थे इन स्टेड ऑफ द कैट So, this was our poem, The Dad and the Cat in the Tree. This may starting may cat stuck thi, or by the end of the poem, dad stuck the Starting may cat was looking at everyone down, or bad may dad was looking at everyone down, Ab kaise Now, let's quickly look at the poetic devices and the other important things about our poem. First, अब इसमें कौन सी डिवाइजेज यूज़ हुई हैं इसमें सबसे पहले एलेक्ट्रेशन यूज़ हुआ एलेक्ट्रेशन क्या होता है जब एक कॉन्सोनेट साउंड बार बार आता है जैसे कि स्माइलिंग एंड स्मर्किंग सो इसमें एस का साउंड बार बार आ रहा है प्लीज है स्पंच सो इसमें पी का साउंड आ रहा है सेफ एंड साउंड अगेन इसमें एस का साउंड आ रहा है तो अलेक्ट्रेशन का मतलब क्या होता है वेन यू कैन हेयर द सेम कॉन्सोनेंट साउंड अगेन एंड अगेन ओके फॉर एग्जाम्पल एज आई ऑलवेज गेव यू सी शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर ये स्टार्टिंग वाला ना हमेशा गड़बड़ होता है मुझसे ना इसमें हमने बहुत सारी सिमलीज यूज़ करी हैं सिमलीज क्या होती हैं सिमलीज मतलब इट इज़ अ वे इन विच यू आर कंपेयरिंग वन थिंग विद अनदर यूजिंग द वर्ड एज अ लाइक फॉर एग्जाम्पल

एक तो होती है ईजी एज विंकिंग ये एज है ईजी एज विंकिंग मतलब इट इज़ सो ईजी एज योर विंकिंग सो यहाँ पे कैसे आया है कंपेयर कर रहे हैं हम कि कितना इजी है विंकिंग जितना दूसरा क्या है प्लीज एज पंच अगेन वी आर यूजिंग द वर्ड एज कितना प्लीज है पंच जितना प्लीज है नाउ वट इज द टोन ऑफ द पोम इट्स यूमरस एंड कैशुअल बहुत ही कैशुअली हमने इस पोम को कहा है और कैसी ये पोम बहुत ही ज्यादा यूमरस है मस्ती वाली पोम है नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स ठीक है वाई वॉज डैड श्योर ही वुड नॉट फॉल क्यों डैड जो थे वो इतने श्योर थे कि वो कहीं पर भी चढ़ जाए ही इज नॉट गोइंग टू फॉल

ये जो लाइन है कि मैं इतना अमेजिंग क्लाइम बताऊं कि मेरे लिए पेड़ चढ़ना तो इट्स एज इजी विंकिंग मतलब मारना राइट सो दिस इज द फ्रेज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज सो प्लान ए क्या था जिसमें वो गार्डन शेड से लैडर लेके आए थे एंड देन ही क्लाइंब एंड लेकिन क्या हुआ क्या वो चढ़ पाए वो धड़ाम से गिर गए थे सो प्लान ए वॉज टू क्लाइंब द ट्री With the help of a ladder, although the ladder slipped and Dad fell on the ground, over ground mein kahan गिरे the Flower bed ke upar gir gaye the Now let's see the next one. Plan C was a success. What went wrong then? Plan C kya tha Plan C था that he will climb the garden wall और garden wall से जो tree था वो बहुत पास था तो वो वहाँ से jump करेंगे। So plan C was successful because उन्होंने garden wall पे

बट हमारे डैड जो थे ही वॉज स्टक ऑन द ट्री नाउ लेट्स मूव अहेड विद द फिफ्थ क्वेश्चन द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड पिक आउट द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया सो अब हमारी पूरी पोम की कौन सी लाइन है जो ये बताती है कि कैट जैसे ही वापस ग्राउंड में आ गई वो बहुत खुश थी सो स्माइलिंग एंड स्मोकिंग Remember smiling and smirking is the phrase that says that yes, the cat was very happy now that it was back on the ground. Next question is describe the cat and dad situation in the beginning and at the end of the poem. This is the funniest question of this chapter of this poem. Ki starting mein cat or dad ki situation kya thi and by the end of poem cat or dad ki situation kya thi. In the beginning the cat was stuck on the tree.

सो फॉल कब बोला था जब उनकी वाइफ ने क्या कहा था ओ प्लीज लिसन डोंट फॉल सो ही वाज लाइक फॉल एंड मी सो एज हिज वाइफ वॉन्ट हिम अगेंस्ट फॉलिंग जैसे उनकी वाइफ ने बोला अरे गिर मत जाना डैड सेड फॉल शोइंग एन एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस डेट अ क्लाइंबर लाइक हिम कैन नेवर फॉल तो जब डैड ने बोला फॉल तो वॉट एक्सप्रेशन वॉज ही शोइंग कि मेरे जैसा क्लाइंबर गिर सकता है कभी क्या बात कर दी नाउ Next one is, Never mind. Never mind कब बोला था? अब वो गिर तो गए, बताना भी तो तो होता नहीं 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 नहीं। कोई कोई बात बात तब उन्होंने कहा था, जैसे ही वो गिर गए तब उन्होंने कहा था नेवर माइंड एंड ही वॉज एट दैट टाइम ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज क्लोथ्स एंड हिज फेस फनी जोक क्या जोक था जोक ये था कि अरे तुम प्लीज गिर मत जाना डोंट ब्रेक योर नेक सो एज हिज वाइफ वॉन्ट हिम अगेन ही सेड फनी जोक अगेन बोस्टिंग हिज क्लाइंबिंग स्किल्स तब उन्होंने कहा था तुम्हें लगता है मैं गिर जाऊंगा वॉट अ फनी जोक व्ट वॉज ही ट्राइंग टू से दैट आई एम सच अ गुड क्लाइंबर सो व्हाट वॉज ही डूइंग ही वॉज बोस्टिंग हिज क्लाइंबिंग स्किल्स ये वाली लाइन को अच्छे से याद कर लेना ये हर आंसर में फिट हो जाएगी नेक्स्ट वन इज रबिश वट वॉज रबिश जब वो जब फाइनली सेकेंड प्लान भी उनका फेल हो गया था प्लान बी तब उन्होंने बोला रबिश अब मेरे पास एक प्लान सी है डैट सेट दिस एज ही वॉज येट अगेन वॉन्ड बाय हिज वाइफ वेन ही फेल आफ्टर ट्राइंग प्लान बी टू तो जब उन्होंने प्लान बी ट्राई किया उसके बाद भी जब वो गिर गए तब उन्होंने उनकी वाइफ ने जब उन्हें वॉन किया

then he swung himself up. on a branch it broke. the cat gave a yell and sprang to the ground. so these are the lines. now you can have other lines as well that now that the dad, like dad was stuck on the tree. so whatever lines you lines up four, five lines. so guys, we are done again with this chapter, this poem. sorry. The dad and the cat and the tree, which is, which is really funny. So we are done with the poem reading. We discussed difficult words. discuss, summary discuss We discussed the poet. We discussed about the uh, rhyming pattern and the poetic devices used. Followed by the question answers. I hope you have no doubt. If you any doubt, please mention it in the comment box. I'll read it and in the next video I'll try my level best to solve all your doubts. Okay? So